हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा रसीली भी है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में आप इस जलेबी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर दें, जिससे कि आने वाले सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो ये जलेबी बिल्कुल इंस्टेंट है, आप कभी भी इसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक बड़ा सा बाउल, और उसमें डाल देंगे हम सूजी, यानी कि सेमोलिना। ये बारीक सूजी है, अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे मिक्सी में थोड़ा सा पीस लें ताकि वो बारीक हो जाए। और अब हम यहाँ पे डालेंगे चावल का आटा, ये ऑप्शनल है, 1.5 चम्मच के करीब मैंने लिया है। चावल का आटा ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें या फिर ना लें। उसके बाद लिया है मैंने 1/4 कप के करीब में दही, और दही फेटा हुआ है, ध्यान रहे दही खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और इसे हम मिला लेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 इंच के करीब में फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर रहने दें। तो इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इस बैटर को तैयार कर लेंगे। जैसा कि हम डोसे के लिए घोल बनाते हैं, वैसा घोल हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम चम्मच की मदद से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप के करीब में पानी मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो इसको हम मिला लेते हैं और थोड़ी देर हम इसको फेंटना है, लगभग 3 से 4 सेकेंड जितना, यानी कि कुल मिला के 1 मिनट जितना। तो बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा थिक है और कितना थिन है, इतना ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी मैं यहाँ पे चीनी की नहीं, गुड़ की बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने गुड़ लिया हुआ है और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। मैं गुड़ भी यहाँ पे 1 बड़े कप के साइज़ का ले रही हूँ, 1 बड़े कप जितना ले रही हूँ, उसे मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है। और उसे मैं यहाँ पे 1 बड़े से बर्तन में डाल रही हूँ जिसमें हम चाशनी बनाएंगे। और इसमें हम डाल देंगे लगभग 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1 कप और बिल्कुल थोड़ा, यानी कि 1 कप और फिर 3-4 बड़े चम्मच के करीब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। और इस पानी को हम इसमें मिला लेंगे, थोड़ा सा गुड़ को मेल्ट होने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे बनाना है, नहीं तो गुड़ चाशनी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया है और मिला लेंगे, थोड़ा सा गैस का फ्लेम में बढ़ाएंगे ताकि जो गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसकी चाशनी जो हमें बनानी है वो तैयार कर लें। हमें जो चाशनी है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, चिपचिपी सी रखनी है, बस थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। तो देख सकते हैं गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। थोड़ा सा भी अगर जो आप देसी गुड़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, थोड़ी सी मिट्टी या फिर थोड़ा सा भी कुछ भी किन जैसा, तो उसे आप छन्नी से छान लें। अभी थोड़ा सा इसी टाइम में, इसी स्टेज पे आप उसे छान लें, उसके बाद उस चाशनी को बनाएं, तो गुड़ में जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो निकल जाएगी। अगर आप चाशनी बना रहे हैं चीनी की, तो उसमें अगर गंदगी है तो आप उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच दूध या फिर नींबू का रस डाल के उस पर जो झाग बनेगा उसे साइड करके आप उसे चाशनी को साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो गुड़ की चाशनी है वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है। तो इसे हम थोड़ा सा चिपचिपा होने तक पकाएंगे, एक तार की चाशनी होने से पहले ही हम इसे बंद कर देंगे। बिल्कुल भी चाशनी में तार नहीं बनना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी जो जलेबी है वो रसीली नहीं बन पाएगी, उसमें रस जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा, वो ऊपर ही ऊपर चिपक जाएगा। इसलिए हमें तार या फिर चाशनी में तार नहीं बनना चाहिए। आप देख पाएंगे कितना चिपचिपा होना चाहिए। अभी ये अच्छे से रेडी नहीं हुआ है, अभी ये इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, तो हमें थोड़ा सा चिपचिपा रखना है ताकि जो चाशनी है वो जलेबी के अंदर तक जाए और वो रसीली बन पाए। तो हम इसे और थोड़ा सा पकाएंगे, 2 से 3 सेकंड जितना, ताकि थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। तो अब ये चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, चिपचिपी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसमें तार नहीं बन रहा है और ये चिपचिपी सी हो गई है, बिल्कुल रेडी है ये। तो इसे मैं अब गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इस चाशनी को रख देंगे साइड में। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और चाशनी को रख देते हैं साइड में स्टैंड पे, ताकि चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अगर आपका जो बैटर है वो थिक हो जाता है तो आप थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब में पानी मिला के उसे फिर से फेंट लीजिए
और ये रेडी हो चुका है बैटर आपका जलेबी बनाने के लिए। और अब हम कोन बनाएंगे, कोन कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब में बेकिंग पाउडर डाल चुकी हूँ और इसमें हम इसमें डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छे से फूलेगा भी, तो इसे स्किप नहीं करना है। हाफ टी स्पून के करीब में बेकिंग पाउडर ज़रूर डालना है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रहे इसे ढक के नहीं रखना है, अभी बेकिंग पाउडर सबसे लास्ट में डालना है। तो अब हम यहाँ पे कोन बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक फाइल जिसमें रखते हैं ना, वैसा हमने मेरे पास ये प्लास्टिक का था, इसमें मैं इसे कोन की तरह यूज़ करूँगी। आप दूध की थैली भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक ग्लास रख लिया है और उसमें हम ये बैटर डाल दे रहे हैं इस कोने में। और अब ये रेडी हो चुका है कोन हमारा, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे कोने में एक छोटा सा कैंची की मदद से कट करूँगी। तो यहाँ पे मैं कैंची की मदद से छोटी सी कट लगाऊंगी। अगर आपको पतली जलेबी बनानी है तो आप छोटी सी कट करें, लेकिन अगर आपको मोटी जलेबी बनानी है तो आप बड़ा कट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। तो चाशनी भी रेडी हो चुकी है और तेल भी गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन डाल के देख रही हूँ। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हमारी जलेबी बनाने के लिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आपको उसमें बैटर डालना है, नहीं तो जलेबी अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी और जो तेल है ना वो उसके अंदर जाके बस जाएगा, यानी कि तेल पी लेगी जलेबी, फिर उसमें चाशनी के लिए जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए तेल गर्म होने के बाद हम इसको बैटर को डालेंगे। तो ये देखिए मैंने जलेबी बनाना शुरू कर दिया है और ये देखिए गोल गोल राउंड राउंड जैसे भी आपको मन में आए वैसे आप बना दीजिए। ये देखिए क्योंकि जलेबी टेढ़ी मेढ़ी ही होती है तो आप टेढ़ी मेढ़ी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे और फिर इसे उलट देंगे। कुछ इस तरीके से देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है, ये पतली पतली है और अच्छी भी है। मैं आपको मोटी जलेबी भी बना के दिखा दूंगी कि वो कैसी दिखती है, वो भी बहुत ज़्यादा यमी दिखती है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रस चला जाता है। तो इस जलेबी को हमें गोल्डन होने तक भुनना है, मतलब तलना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है हमें। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे किस कब हमें चाशनी में डालना है। तो थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे ताकि जो जलेबी है वो अंदर से पक जाए। थोड़ा सा हमने गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पे कर दिया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक साइड में करके हम इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा जो तेल है वो अलग हो रहा है, उसके बाद हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और अब मैं इसमें जो जलेबी हमने तल के निकाली थी वो हम इसमें डाल देंगे। चाशनी में थोड़ी देर हमें दुबा के रखना है, बहुत ज़्यादा देर दुबा के नहीं रखना है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो 5 मिनट भी अगर आप चाशनी में डूबे रहने देंगे ना तो जो जलेबी है वो क्रिस्पी ही बनी रहेगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी और एकदम कुरकुरी सी रहेगी, रसीली हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये इंस्टेंट रेसिपी है, आप कभी भी बना सकते हैं, जब भी आपका दिल करे आप इसे बना सकते हैं। तो इसे थोड़ी देर चाशनी में डूबे रहने दें, उसके बाद हम इसे निकाल के अलग प्लेट में रख लेंगे। चाशनी को निकाल के यानी कि जो चाशनी एक्स्ट्रा होगी वो निकल जाएगी और फिर से हमें उसी तरीके से जलेबी बना लेनी है। ये देखिए मैंने एक लंबी सी जलेबी बनाई है, जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बस उस तरीके से हमने एक बड़ी सी जलेबी बनाई है। और इसे हम निकाल लेंगे कैसे, तो चिमटे से तोड़ कर निकालेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ चिमटे से इसे तोड़ लेती हूँ छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है अब इसे। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, उसी तरीके से प्लेट में रख लेंगे और फिर इसे चाशनी में डाल देंगे जैसा कि हमने पहले वाली जलेबी को डाली थी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने मोटा सा उसमें थोड़ा सा कट लगाया है और अब मैं यहाँ पे जो जलेबी है वो थोड़ी सी मोटी मोटी बना रही हूँ, ताकि जो इस ये जलेबी बहुत कम लोगों को पसंद आती है, जो मोटी मोटी होती है बहुत ज़्यादा रसीली होती है, ज़्यादा लोग पतली वाली जलेबी ही खाना पसंद करते हैं। बट मैं आपको बता देती हूँ, ये जलेबी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि ये पतली वाली जलेबी से ज़्यादा रसीली होती है। तो ये देखिए उसी तरीके से बना लेना है, बस थोड़ा सा जो छेद था ना कोन का वो थोड़ा सा मैंने मोटा कर दिया था और बस इसे निकाल के उसी तरीके से चाशनी में डाल देंगे। तो उसी तरीके से चाशनी में हमें इसे डाल देना है और डालने के बाद निकाल लेना है 2-3 सेकंड के बाद। आप चाहे तो इसे 2-3 मिनट तक रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो रस है वो अंदर जा चुका है, थोड़ी देर के बाद ही चला जाएगा, तो फिर उसे देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है।
और इसका जो क्रिस्पनेस है वो हमेशा बना रहेगा। आप इसे एक घंटे के बाद भी खाएंगे ना तो उतना ही क्रिस्पी लगेगा। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी जलेबी अच्छी लगी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये पतली वाली जो जलेबी हमने बनाई थी इसमें कितना अच्छी तरीके से रस एब्जॉर्ब हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी है ये, देखिए आप कितना क्रिस्पी है ये। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये देखिए जो थिक वाली बनाई थी वो भी तैयार है। तो इंस्टेंट जलेबी इस तरीके से कभी भी बना सकते हैं आप, जब भी आपको दिल करे तब आप बना सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस जलेबी को बनाने में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें चीनी का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और इंस्टेंट बन जाता है। तो आप इसे कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं जब आपका दिल करे। तो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आने वाले सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।